है, मूर्खता है ये तुम्हारी। पतन को तुम प्रगति का नाम दे रहे हो। हां, धर्म में जहां उचित लगे देश काल के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए। ऑर्थोडॉक्स भी ना बने रहे, पुराना जो है सब सोना नहीं होता। यदि कई पुरानी रूढ़ियां ऐसी है आज समाज के लिए योग्य नहीं है, अनुपयुक्त है, तो उसको मिटाना भी धर्म ही है, उसको मिटाना भी धर्म। देश काल के अनुसार धर्म परिवर्तनशील होता है। धर्म तो बहती हुई गंगा है, यह कोई जड़ पत्थर थोड़ी है, शिला थोड़ी है, बहती हुई गंगा है धर्म। तो देश काल के अनुसार उसमें परिवर्तन होता है। तत्कालीन समाज और तत्कालीन समाज को देखते हुए उसके कल्याण के लिए जो परिवर्तन आवश्यक है धार्मिक पुरुषों ने किए, करना चाहिए, जरूरी है। लेकिन आज प्रगति के नाम पर हमने पतन को न्यौता दिया है, निमंत्रण दिया है। इतनी सुंदर व्यवस्था हमारे ऋषियों ने बताई थी। धर्म में राजनीति घुस गई है, इसलिए आज धार्मिक पुरुषों में भी दिखाई पड़ती है राजनीति। ये संप्रदाय, वो संप्रदाय, हमारे हमारे संप्रदाय वाले उसमें न चले जाए, उसमें उसमें व्यावसायीकरण हो गया धर्म का। धर्म में अर्थ और राजनीति दोनों घुस गई। तकलीफ ये है, जो सबसे ऊंची है धर्म सत्ता, उसने भी अपनी गरिमा खो दी, क्योंकि नीचे वाले ऊपर आ गए ना, घुसे बिना योग्यता के आ गए, तो गरिमा खो ही देगी धर्म सत्ता। सीधी बात, बिना योग्यता के ऊपर बैठ जाए तो गरिमा नहीं रहेगी, सीधी बात। बहुत सुंदर व्यवस्था। राजा अश्वमेध यज्ञ करता था, हम देख चुके अश्वमेध यानी राष्ट्रोन्नति का यज्ञ, अश्व यानी राष्ट्र, मेध यानी उन्नति। राष्ट्रोन्नति का यज्ञ किया परीक्षित ने, सार्वभौमत्व प्राप्त किया। अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान होता है, तब यज्ञ पूरा हुआ ऐसा माना जाता था। तो अवभृत स्नान करके जो चक्रवर्ती बन गया है वो शासक बोलता था तीन बार, अदंड्योस्मी अदंड्योस्मी अदंड्योस्मी, अब मैं अदंड्य हूं। यदि कोई दूसरा अपराध करे तो मैं दंड दे सकता हूं, लेकिन मुझे कोई दंड नहीं दे सकता, मैं स्वयं अदंड्य हो गया क्योंकि मैं चक्रवर्ती हूं। तब ऐसा कहने वाला वो राजा, उसके पीछे धर्म सत्ता खड़ी रहती थी, उसके धर्म गुरु खड़े रहते थे, उनके हाथ में छोटा सा धर्म दंड रहता था, और धर्म दंड तीन बार राजा को मारकर धीरे धीरे धर्म गुरु कहते थे, तू अदंड्य नहीं है, धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी धर्मदंड्योसी, तू भी अदंड्य नहीं है, तू धर्मदंड्य है। यदि तूने कोई अपराध किया तो तुझे दंड देने वाला धर्म है। राजाशाही में भी गणतंत्र के लक्षण थे। हां, आज गणतंत्र में भी कहीं कहीं बात ही छोड़ो, क्या बताए जो दशा करके रखी है देश की, हमारे आदरणीय महापुरुषों ने, सत्ताधारी। गांधी कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता केवल बन गए गांधी। एक कवि ने तो अभी 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 काव्य देखा मैंने, पद्य नहीं गद्य में काव्य, अपद्य गद्य रचना, अपद्य गद्य की अब तो शुरुआत हुई, तो पढ़ा, गुजराती में था, मैं हिंदी में कह रहा हूं। टेलीफोन की घंटी बजती है पृथ्वी में, तो रिसीवर उठाया गया, हेलो कौन कौन बोल रहे हैं भाई, कहां से बोल रहे हैं, जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं देता, कौन? गांधी जी? हां भाई, भारत ही बोल रहा है ये, बताइए आप कौन बोल रहे हैं? रिसीवर उठाने वाला देश है भारत, ये भारत स्पीकिंग, आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, कहां से? स्वर्ग से। स्वर्ग से कौन? ऑपरेटर, आवाज ठीक नहीं सुनाई देती,
बहुत दूर से है ना कॉल, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल। स्वर्ग से, स्वर्ग से कौन? गांधी जी। कौन गांधी जी? रॉन्ग नंबर, रिसीवर रख दिया गया। गांधी और भारत का ऐसा नाता हो गया है, गांधी का कॉल भी आवे तो रॉन्ग नंबर देकर कहकर हम रख देते हैं। हां, वैसे सही नंबर है कुर्सी को प्राप्त करने के लिए, गांधी। क्या दशा बना रखी है देश की, धर्म सत्ता ने गरिमा खो दी, ये भी उतने ही दुख की बात है। और एक बात भी समझ लो कि धर्म सत्ता को नुकसान किसी अधार्मिकों ने नहीं पहुंचाया, धर्म के ठेकेदारों ने ही पहुंचाया, इस बात का भी स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों धर्म के ठेकेदारों के द्वारा नुकसान हुआ? क्योंकि धर्म सत्ता में राज सत्ता घुस गई, जो अधिकार नहीं था वो हुआ, धर्म में राजनीति घुस गई, अर्थ घुस गया, धर्म फिर रक्षा फिर अर्थ फिर क्रिया। ज्ञान बल अर्थ और क्रिया, क्रिया अर्थ को आधीन है, अर्थ और क्रिया दोनों बल को आधीन है, अर्थ क्रिया और बल तीनों ज्ञान को आधीन है, ज्ञान को श्रेष्ठ बताया। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे चार वर्ण बनाए। ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी जाति से ही नहीं, ज्ञान श्रेष्ठ की बात है, ये ज्ञान की श्रेष्ठता की बात। लेकिन फिर ज्ञान की श्रेष्ठता गई, ज्ञानी हो या न हो ब्राह्मण है इसलिए श्रेष्ठ माना जाने लगा, फिर से विकार आ गया, व्यवस्था थी विकार पैदा हो गया। श्रेष्ठता जाति की नहीं ज्ञान की थी, ब्राह्मण श्रेष्ठ माने ज्ञान से, ज्ञान की श्रेष्ठता, लेकिन फिर ज्ञान हो या ना हो जाति से ही ब्राह्मण श्रेष्ठ माने। धीरे 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 अब व्यवस्था, वो तो होना ही है, वैसे कपड़ा जैसे जैसे पहनते हो वैसे पुराना होता जाता है, मैला होता जाता है, गंदा होता जाता है, फटता रहता है। तब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि एक फिर से सुंदर व्यवस्था दे, क्योंकि धर्म परिवर्तनशील होना चाहिए। तत्कालीन समाज को देश और समय का ख्याल करते हुए धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि पुनः एक उचित व्यवस्था समाज को दे। धर्म दंडियों से, तू भी अदंड्य नहीं है, तुझे दंड देने वाला धर्म है। राजा परीक्षित ने भगवान से अपने अपराध कबूल किया, कबूल ही नहीं किया, अपराध के लिए उचित दंड भी मांगा। प्रार्थना करने लगे राजा, मेरे जैसे राजा को शासन करने का कोई अधिकार नहीं। देखो एक बार, और यहां तो इतना ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, कितने लोग मर जाए, नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, इसमें मैं क्या कर सकता, जिम्मेदारी लेता ही नहीं कोई, इतने लोग मर गए, यहां ऐसा अकस्मात हुआ, वहां वैसा अकस्मात हुआ, यहां डाके पड़ रहे हैं, डाके डाले जा रहे हैं गुंडों के द्वारा, और यहां आतंकवादियों के द्वारा इतने निर्दोषों की जान जा रही है, फिर भी इस्तीफा नहीं, नहीं। कुर्सी देवी नमो नमः, प्रसन्न हुई है 5 साल के लिए, भला मैं उसका अनादर कैसे कर सकता हूं। भगवान सद्बुद्धि दे हमारे इन आदरणीय नेताओं को, प्रजाहित के कार्य करते रहे। राजा परीक्षित ने सोचा अब राज्य सत्ता पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि राजा बनकर मैंने अधर्म का आचरण किया, मैं अपने धर्म से च्युत हो गया, मैं अपना अपराध कबूल करता हूं, अब राजगादी पर नहीं बैठेंगे हम। परीक्षित बाद में राजगादी पर बैठे ही नहीं, ऐसे राजा होते हैं तब धर्म राज्य आता है, तब राम राज्य। महात्मा गांधी बापू ने तो बहुत राम राज्य की बातें करी, नहीं हो पाया, कैसे हो पाता, राम राज्य नहीं हो पाया, फिर कल्याण राज्य की बातें चली, कल्याण राज भी नहीं हो पाया, फिर पंचायत राज आया, तो पंचायत राज के जो भी अनिष्ट हैं वो गांव के सौंदर्य को नष्ट करने वाला हमारा पंचायत राज्य, चुनाव ने ऐसे अनिष्ट पैदा कर दिए, गांव के सौंदर्य को नष्ट कर दिया,
बैर खड़ा कर दिया। गणतंत्र के लिए पहले लायक तो होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए थी, हमें वो योग्यता नहीं आई। स्वाधीनता के इतने वर्षों के बाद भी इतनी योग्यता हमें नहीं आई कि हम गणतंत्र के योग्य बन सकें। कितना अनिष्ट पैदा किया है चुनाव ने। राजा ने सोचा अब मैं राजगादी पर नहीं बैठूंगा, मुझे अधिकार नहीं रह गया। बड़ा पछतावा कर रहे, रो रहे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे, मुझे उचित दंड देना चाहिए। केवल इस्तीफा देकर निकल गया ऐसी बात नहीं, दंड मांग रहे, मुझे उचित दंड मिले। जब तक दंड नहीं भोगोगे तब तक दोष से निवृत्ति है ही नहीं, दंड भोगना ही। यहां शमिक ऋषि ने कहा अब राजा को शाप दिया है तो उसको अवगत भी तो करना चाहिए। दो शिष्यों को भेजा, वत्सों जाओ तुम और राजा को अवगत करो। गुरु महाराज को वंदन करके दोनों शिष्य निकले, राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित ने दोनों ब्रह्म बटुकों का आदर सत्कार किया, पूजा की। आगमन का जब कारण पूछा तब दोनों ने कहा हम शमिक ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं राजा, आपको अवगत करने आए हैं, आपके अपराध के कारण ऋषि पुत्र ने आपको शाप दे दिया है, 7 दिन में तक्षक नाग के दसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित की आंखों में आनंद आश्रु आ गए, भगवान आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, मुझे उचित दंड मिला। बहुत दक्षिणा दी दोनों ब्राह्मण शिष्यों को, आश्चर्य हुआ हम शाप की बात सुनाने आपको आए और आप हमें दक्षिणा दे रहे हैं। हां, और ये लो ये दक्षिणा ऋषि पुत्र को देना। उसने शाप नहीं दिया, महापुरुषों के मुंह से तो जो होने वाली बात होती है वही निकलती, मृत्यु तो होना ही है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, जन्म हुआ तो फिर मृत्यु तो निश्चित ही है। हकीकत में ऋषि पुत्र ने मुझे शाप नहीं दिया, होने वाली घटना पहले ही बता दी और मुझे सावधान कर दिया कि राजा अब तुम्हारे जीवन में केवल 7 दिन शेष रह गए हैं, जो कुछ करना हो कर लो, सावधान। तो जो पहले से सावधान कर दे उनके तो हम आभारी होते हैं। ऋषि पुत्र को कहना राजा आपका आभारी है, 7 दिन पहले आपने सावधान कर दिया मुझे। हो सकता था कि शाप दे कि इसी वक्त मर जाए, लेकिन 7 दिन दे दिए मुझे, ऋषि पुत्र की बहुत उदारता है, कृपा है। इतना स्पष्ट भविष्य कथन करे उस ज्योतिषी महाराज को तो हम भी दक्षिणा देते हैं ना। राजा परीक्षित 7 दिन के लिए तो निश्चिंत हो गए, निश्चिंत हो गए और निश्चित हो गए, निश्चित हो गए कि 7 दिन तो काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता, निश्चिंत हो गए। और हमें कल का भी पता नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि परीक्षित को शाप हुआ, देखो ये केवल परीक्षित की बात नहीं, हमारी सबकी कथा है। 7वें दिन सबको जाना है, शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, आज से एक दिन निश्चित है, लेकिन हमको पता नहीं। लेकिन 7वां दिन सबके लिए निश्चित है, 8वां तो आएगा ही नहीं, है तो साथ ही। बाद में छवि के नीचे लड़के लिखेंगे स्वर्गवास, मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी शुक्रवार, लेकिन शुक्रवार आज से ही निश्चित हो गया है, हमको पता नहीं। 7वें दिन सबको जाना है, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है। सावधान हो जाना चाहिए परीक्षित की तरह। तो लोग पूछते हैं परीक्षित को तो पता चल गया कि 7 दिन के बाद मृत्यु आएगी, हमको कैसे पता चलेगा? अरे परीक्षित से भी ज्यादा सावधान रहो मेरे भाई बहन, वो तो 7 दिन के लिए निश्चिंत था, हमको कल का भी भरोसा नहीं।
हो सकता है हमारा शनिवार को मृत्यु हो तो कल ही हो जाए, या फिर उसके बाद का शनिवार, या फिर कहां, किसको पता। परीक्षित तो 7 दिन के लिए निश्चिंत हो, हमें तो और सावधान होना चाहिए। फांसी का जो कैदी होता है उसका बहुत ख्याल करना पड़ता है कारागृह में भी, कि वो आत्महत्या न कर ले, वरना अमल कैसे होगा सजा का। हा? तो मतलब ये हुआ कि अब तो मैं फांसी का कैदी हूं, पहले तो मर ही नहीं सकता, नहीं तो ऋषि पुत्र का शाप मिथ्या हो जाएगा। 7 दिन तो काल भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। निश्चिंत और निश्चित हो गए राजा परीक्षित, दक्षिणा देकर विदा किया, राजगादी दे दी अपने पुत्र जन्मेजय को और स्वयं चले आए ममता के बंधन को वैराग्य के शस्त्र से काटकर गंगा के किनारे पर। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं को समाचार मिले राजा परीक्षित को शाप हो गया है, बड़े बड़े महात्मा ऋषि मुनि राजा परीक्षित के पास आए सत्संग के लिए। राजा ने ऋषि मुनियों का प्रेम जीता है, बिना बुलाए ऋषि मुनि आए, बुलाना नहीं पड़ा, ऋषि मुनि सब कृपा करके आए। अंत समय में राजा बहुत दुख हुआ, हमें आपको शाप हो गया है। परीक्षित ने कहा कि नहीं, ऋषि पुत्र ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अब तो राजगादी पर बैठने का मुझे अधिकार नहीं, राजा बनकर मैंने अपराध किया है। 7 दिन शेष रह गए हैं जीवन के, आप सब महात्मा लोग पधारे हैं, आपका हम स्वागत करते हैं, बस अब तो भगवान की मंगलमयी कथा सुनाइए, जिसकी मृत्यु नजदीक आई है उसको क्या करना चाहिए ये बताइए, और जीव का आत्यंतिक कल्याण यानी मोक्ष की प्राप्ति उसे कैसे हो उपाय बताइए। राजा के प्रश्न के जवाब में सब साधु महात्मा कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, लेकिन सुनावे कौन, सब बोलने लगे तब तो हंगामा हो जाएगा, शोर होने लगेगा, कथा नहीं व्यथा हो जाएगी, व्यासपीठ पर कौन बैठे, निर्णय नहीं हो पा रहा। श्रीमद् भागवत का यह प्रथम स्कंध अधिकार लीला है। 3 प्रकार के अधिकारी श्रोता वक्ता की कथा प्रथम स्कंध में आती है, उत्तमाधिकारी, मध्यमाधिकारी और हीनाधिकारी। सुत जी और श्रवणकादि ऋषि मुनियों की गणना हीनाधिकारी में है, व्यास और नारद की गणना मध्यमाधिकारी में है, और सुखदेव और परीक्षित की गिनती उत्तमाधिकारी में की जाती है। व्यास, सुत जी और श्रवणकादि ऋषि मुनि हीनाधिकारी श्रोता वक्ता माने गए। हीनाधिकारी का अर्थ कोई गलत ना करे, हमसे तो अच्छे हैं, लेकिन हीनाधिकार इसलिए कि जहां वक्ता को अपने ज्ञान का अभिमान है और श्रोताओं को जात्याभिमान है। नीचे बैठने वाले ऋषि मुनि हैं श्रवणकादि, वे लोग समझते हैं कि हम जाति से श्रेष्ठ है, ये सूत हमसे हल्के हैं। सूत तो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो जाति में ये हमसे हल्के हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको ऊंचे आसन पर बैठाया है, जाति में तो हम ही श्रेष्ठ है, भले ही हम नीचे बैठे। जात्याभिमान है श्रोताओं को, और वक्ता को ज्ञानाभिमान है कि भले ही मैं सूत हूं लेकिन ऊंचे आसन पर बैठा हूं, तो इन लोगों ने कहीं ऐसे ही थोड़े बैठाया है, मैं ज्ञानी हूं इसलिए बैठाया। वहां हीनाधिकार आता है। आज तो यहां हम जगत को दिखा देने के लिए कथा का आयोजन करें, और वक्ता भी अपनी विद्वत्ता बताने के लिए और पैसा कमाने के लिए ही कथा करें, कीर्ति और कंचन में लोभायमान होकर करें, तो हीनाधिकार से भी हीनाधिकार, हीन से भी हीन है हमारी। इसलिए मैंने कहा कि सुत जी और श्रवणकादि ऋषि मुनियों की गिनती भले ही हीनाधिकारी में होती हो, लेकिन हमसे तो बहुत अच्छे हैं। संपत्ति और कीर्ति परछाई है, सूरज की तरफ भागेंगे हम, दौड़ेंगे, ये परछाई बनकर पीछे पीछे संपत्ति और कीर्ति तो आवेगी, लेकिन जो परछाई को पकड़ने की कोशिश करेगा
वह सूर्य से दूर होता जाएगा और परछाई को पकड़ नहीं पाएगा, वह परमात्मा से विमुख हो जाएगा और सत्ता और संपत्ति और कीर्ति तो हासिल ही नहीं होगी। करना तो यह है कि सूर्य के सामने मुंह रखकर दौड़ो, भगवान के सम्मुख यात्रा करो, सत्ता संपत्ति कीर्ति परछाई है तुम्हारे पीछे पीछे आएगी, बिना बुलाए। परछाई को भी बुलाना पड़ता है, कहना पड़ता है मेरे पीछे पीछे आओ, वो तो आती ही है। हम हरि सम्मुख बने रहे, हरि सम्मुख बने रहे। तो हिनाधिकारी है सुत जी और श्रवणकादि ऋषि मुनि, मध्यमाधिकारी है व्यास और नारद, नारद वक्ता है व्यास श्रोता है। मध्यमाधिकारी इसलिए कि ज्ञान है भक्ति है लेकिन वैराग्य का वैराग्य कम है। समाज सुधारक संत है व्यास नारद, श्रवणकादि ऋषि मुनि और सुत जी हिनाधिकारी, व्यास और नारद मध्यमाधिकारी, शुकदेव और परीक्षित उत्तमाधिकारी। शुकदेव जी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण है। शुकाचार्य कोई समाज को सुधारने के लिए नहीं कथा कर रहे, सुधारने की बात तो तब आएगी जब बिगड़ा है ऐसा पता चलेगा, और समाज बिगड़ गया है वो तो तब पता चलेगा जब समाज का चिंतन करेंगे हम। शुकाचार्य तो संसार को देखते ही नहीं ब्रह्म को ही देखते हैं, ब्रह्ममय दृष्टि है उनकी। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों परिपूर्ण। राजा परीक्षित भी कथा श्रवण के लिए बैठे हैं तो मुमुक्षु बनकर बैठे, मुक्ति की प्यास का नाम है मुमुक्षा, ज्ञान की प्यास का नाम है जिज्ञासा। मैं बार बार दोहरा हूं यह सूत्र हृदयस्थ करने लायक है, इसलिए ज्ञान की प्यास का नाम जिज्ञासा, मुक्ति की प्यास का नाम मुमुक्षा और भगवान की प्यास का नाम भक्ति। राजा मुमुक्षु बनकर बैठे हैं, जिज्ञासा युक्त होकर बैठे हैं, भगवान की प्यास लगी है, भक्ति से युक्त होकर बैठे हैं, इसलिए उत्तमाधिकारी श्रोता रखता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, किताबें पढ़ लेने से पंडित बन जाएंगे, जानकारी बहुत मिल जाएगी, ज्ञान तो भरने में नहीं खाली होने में समाया हुआ। बिन गुरु हो इक ज्ञान, ज्ञान की हो इ विराग बिनु, गा वही वेद पुराण, सुख की लही हरि भक्ति बिनु। बिन गुरु हो इक ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बताया गुरु की महिमा को, गुरु बिनु भवनी धी तरई न कोई, गुरु बिनु भवनी धी तरई न कोई, गुरु बिनु भवनी धी तरई न कोई। सब गाइए ना, बिनु भवनिधि तरई न कोई, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई। जो शंकर विरंचि साम हो, गुरु बिनु
विनु भवनिधि तरई न को शंकर सम होई ब्रह्मा शंकर समान क्यों न हो लेकिन गुरु बिनु भवन निधि तरई न कोई मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन आवाज नहीं आ रही आवाज निकाल के गाई द्रवु सो दस रथ अजी द्रवु सो दस रथ कर सम होई जो होई बिना गुरु के कोई भव निधि तर नहीं सकता पार नहीं कर सकता बिन गुरु होई कि ज्ञान बिना गुरु के कैसे ज्ञान हो सकता है लेकिन सवाल यह उठ सकता है कि फिर गुरु की प्राप्ति कैसे करें गुरु कैसे मिले श्रीमद् भागवत जी का प्रथम स्कंद का यह सिद्धांत है यह सूत्र है कि गुरु को ढूंढने मत जाना नहीं तो धोखा खाओ ढूंढने से नहीं मिलते गुरु तो तुम अधिकारी शिष्य बनो अधिकारी गुरु मिलेंगे अधिकारी शिष्य बनो भगवान चिंता करेंगे तुम्हारे लिए भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा पैदा हो जाएगी हम अधिकारी शिष्य बन जाएंगे शिष्यत्व यदि आ गया तो भगवान ही व्यवस्था करेंगे उसको चिंता होती है कि मुझे जानने के लिए इतना लालायित है तो अब मैं व्यवस्था कर दूं अरे भगवान ही गुरु बनकर आएंगे इसलिए तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अधिकारी शिष्य के पास अधिकारी गुरु आते ही राजा परीक्षित का अधिकार जागृत हुआ शुकाचार्य स्वयं परीक्षित के पास आए शुकाचार्य को बुलाना नहीं पड़ा उनसे कोई डेट नहीं मांगी इन दिनों में हमारे गांव में कथा करने के लिए आइएगा अनायास शुकाचार्य घूमते हुए आए समस्या ने अपना समाधान स्वयं ढूंढा यदृच्छा से घूमते हुए शुकाचार्य आ रहे हैं श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हुए पीछे पीछे सब बच्चे आ रहे हैं कोई पत्थर मार रहा कोई धूल उड़ा रहा शुकाचार्य पर कोई असर नहीं परमहंस है नग्न दिगंबर है 16 वर्ष युवान श्याम वर्ण शुकनासिका कमल नयन उनके तेज से आकर्षित होकर स्त्रियां उनके पीछे आ गई गंगा जी के तट पर आए
जैसे ही व्यासात्मज पधारे सभा में, सब लोगों ने पहचान लिया, उठकर सारी सभा खड़ी हुई, नमस्कार किया, जय जयकार निकल गया। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उठने की कोशिश न करनी पड़ी, उठ गए। मस्तक झुकाने की कोशिश न करनी पड़ी, मस्तक झुक गए। वही संतत्व है शुकाचार्य। व्यासात्मज शुकाचार्य पधारे, परमहंस परीक्षित आए, चरणों में प्रणाम किया। होठ तो नहीं लेकिन आंखें बोल रही थी, हृदय की भाषा आंख से प्रकट हो रही थी, हृदय का भाव आंखों के द्वारा प्रकट हो रहा था। परिव्राजक संत हैं आप, सदा घूमते रहने वाले हैं। मैं जानता हूं कोई वैष्णव के घर आप भिक्षा लेने के लिए भी जाते हैं तो उसकी गौशाला में गाय दोहने में जितना समय लगता है उतने समय ही आप खड़े रहते हैं, फिर भिक्षा मिले या न मिले वहां से चलते हैं। गोदोहन समय मात्र आप एक जगह स्थिर रहते हैं, ज्यादा नहीं। लेकिन मुझे शाप हुआ है, 7 दिन का मेहमान हूं। भगवान कृपा करेंगे, व्यासासन खाली है, आप विराजेंगे, भगवान की मंगलमयी कथा सुनाएंगे। ऐसे अधिकारी राजा को देखकर शुकाचार्य भी इनकार न कर पाए। उन्होंने अपनी कांख से अपना आसन निकाला, मृगचर्म बिछाया, बैठे उस पर विराजमान हुए, हाथ में कमंडल है एक तरफ रख दिया। राजा परीक्षित ने शुकाचार्य की पूजा की, अधिकारी शिष्य को अधिकारी सदगुरु मिल गए, पूजा करके प्रणाम किया और गुरु महाराज की स्तुति की। आइए हम सब मिलकर अपने अपने गुरु महाराज की स्तुति करें। शब्द को समझकर भाव और प्यार से गाइएगा, शब्दों पर ध्यान दें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, सब गाइए। पुरुषों की आवाज नहीं आ रही, जरा जोर से। अधम आधीन अशरण अब शरण सिंधु के मजधार में
घर में आ रही पाप को जैसे लगी नैया भवर में आ रही ओ पाप को जैसे लगी नैया भवर बचाओ जल्द डूबी जा रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द से